खबर मकराना से, जहां नागौर जिला के थाना मेडता हल्का में गुरुवार को 65 साल के वृद्ध का गला रेतकर हत्या करने के मामले में आज स्वर्णकार समाज के लोगों ने धरना दिया। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। लोगों की मांग है कि पहले वृद्धा की हत्या करने वाले लुटेरे का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच कर अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के आश्वासन बाद ही परिजनों ने मर्चरी से शव उठाया। आज समाज के लोगों ने घटना के विरोध में शर्राफा बाजार भी बंद रखा। मिली जानकारी के अनुसार मेडता शहर के वार्ड नंबर 30 स्थित कोमल नगर निवासी छोटी देवी 65 वर्ष पत्नी लिखमा राम की गुरुवार को उसी के घर में गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। शाम को वारदात का पता चला था। पुलिस के अनुसार वृद्ध की हत्या गुरुवार दोपहर के वक्त हुई थी, क्योंकि वृद्ध की बॉडी के पास ही कूलर चल रहा था और टीवी भी ऑन थी, साथ ही थाली में खाना भी परोसा हुआ था। पुलिस प्रारंभिक तौर पर यही कह रही कि दोपहर के वक्त शायद वृद्ध खाना खा रही थी और उसी वक्त कोई अज्ञात शख्स आया और उसने महिला की अचानक गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि महिला के कानों में पहने गहने और एक कंठी भी गायब है। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमलावर शायद कोई चोर हो। पुलिस से गुरुवार रात को शव मेडता सीएचसी स्थित मर्चरी में रखवाया था। इस मामले में मेडता सीआई भजनलाल का कहना है कि पुलिस टीमें इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हम हर एंगल से जांच में जुटे हैं। तकनीकी टीमों की भी मदद ली जा रही है। जल्द इस हत्या का खुलासा किया जाएगा। आज सुबह पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा दिया, मगर परिवार और समाज के लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया। सुबह 11 बजते बजते बड़ी संख्या में स्वर्णकार समाज के लोग मॉक्यूरी के बाहर एकत्रित हो गए। इसके बाद समाज के लोग वहीं धरने पर बैठ गए। लोगों का यही कहना है कि पुलिस हत्यारे का पता लगाकर उसे गिरफ्तार करे, तभी वृद्ध का शव लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एएसपी राजेश मीना, सीआई भजनलाल मुंडवा, सीआई रोशनलाल सामरिया सहित पुलिस अधिकारी समाज के लोगों से लगातार समझाए इसकी। उसके बाद समाज बंधुओं ने शव उठाया। धरना स्थल पर सुनकार समाज व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्मीचंद सोनी, समाज सेवी चंद्र भानु सिंह मैड, मृत सुनकार समाज अध्यक्ष हेमराज सोलीवाल, गंगाधर सोनी, श्रीप्रकाश सोनी, किशनलाल धुपड़, सुनील देवकर मराठा, रामस्वरूप सोनी, रिया आज के पुरुष व महिलाएं मौजूद रहे। दोपहर 2 बजे पालिका अध्यक्ष गौतम टाक भी धरना स्थल पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन से इस हत्याकांड का खुलासा करने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ इस हत्या के विरोध में आज स्वर्णकार समाज की ओर से अपने बाजार भी बंद रखे गए हैं। जरूरत को नहीं, मैं ध्यान है, कौन का एक नहीं है। बात यह है कि ये मर्डर हुआ था, इसका काम हम कर रहे हैं, हमारी जांच कर रहे हैं और हम कोई जांच में कमी होती है बताओ कि भाई ये जांच में कमी वो नहीं पड़ा। बहुत डी भाई बढ़िया, तू तो रात को बैठी थी, 3 बजे तक अपन बात कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे और कैसे जाँच करे बताओ। हाँ 3 बजे तो हम भी बैठे थे ना, तो जब से सूचना मिली तब से हम लगे हुए, सुबह से लगे हुए। एसपी साहब खुद आ गए, हमारे जिले के सबसे बड़े अधिकारी वो आ गए। नहीं मेरी बात सुनो, अजमेर से हमारे जो एसएसएल टीम आनी थी वो आ गई। जादू की छड़ी तो है नहीं की अगर निकलने के बाद आप लोग भी कहोगे वो छोड़ो तो भी हम छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। बेटा है नहीं, आप है नहीं, कोई नहीं है, मेरा बेटिया मन बैठी माँ है, मन गाज नहीं, कोई नहीं, मन गाज नहीं है, बिल्कुल कोई और लोग जो प्यार सावे लाए उड़ा लिया मेरी स्थिति में खेल लीजिए इन बराबर में। आपके भाई भी इसको जिंदा तो कर नहीं सकते ना। नहीं आपके भाई भी हैं? नहीं कौन मर गए? नहीं भाई था ना, वो भी खत्म हुआ ना, भतीजा भतीजा खत्म, उसको तो किसी ने नहीं मारा, तो जो होना होना होती वो होती है। इन्हें मारे नहीं सकते, वो तो लुगड़ी बाटी सब देने वाले थे ना, कौन है आप, कौन
तो होने वाला जो देखो मेरी बात सुनो, जो घटना होती है वो ये है कि हम इसको घटना को कह रहे हैं हम खोलेंगे, वो आपके सामने तो तब आप क्या कर लिए तो फिर मैं कह रहा ना करेंगे नहीं ऐसा ऐसा है सर, ऐसा है आप भी पकड़े रोते खड़े हैं यहाँ पे भी आए कोई आदमी तो आप भगाने की बजाय आप भी चाहते हैं यहाँ के पांच छह पार्षद खड़े हैं, सामाजिक लोग भी खड़े हैं, मीडिया भी खड़ा है, हमारी सबसे बड़ी डिमांड है आप इनको दबाव दे करके भाई ऐसे वैसे जिंदा जिंदा थे तो मारते हो उनको, उसको अलग विषय है। विषय ऐसा है कि मर्डर होने के बाद में क्षेत्र में सनसनी कितनी फैल गई है और ये ऐसी घटना शहर में दूसरी हो गई, भजनलाल जी सर आप तो भाई ये घटना शहर में दूसरी हो गई है और ये घटना होने के बाद में यहाँ केवल ये जो लोग आसपास में लोग खड़े हैं सबके दिमाग में ये जो लोग खड़े हैं शहर की पंचायती करने वाले लोग भी खड़े हैं, ठीक है हम लोग आपकी नज़र में पड़ सकते बुरे होंगे और हमको आपसे कोई